नाउ एग्जाम्पल नंबर थ्री ऑफ चैप्टर नंबर थ्री टिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ क्लास इलेवेंथ सो इट सेज दैट फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल का रेडियस निकालना है जैसे यहाँ पे हमको सर्कल का रेडियस नहीं पता इन विच सेंट्रल एंगल इज सिक्सटी डिग्री मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है ये सिक्सटी डिग्री दिया है एंड द आर्क ऑफ लेंथ थर्टी सेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ये जो आर्क बना है इस एंगल से ये कितना है थर्टी सेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर जैसे पिछले क्वेश्चन पे हमको पाई की कोई वैल्यू पर्टिकुलर रखने के लिए नहीं बोला था पर इस क्वेश्चन में हमको पर्टिकुलर बोला है तो हम रखेंगे तो चलिए हमको अब क्या निकालना है आर निकालना है तो हमको एक फॉर्मूला तो याद है आर का कि मैंने बताया था थीटा बराबर एल अपॉन में आर होता है जहाँ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस होता है पर शर्त क्या थी वहाँ पे कि जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए ठीक है यहाँ पे और भी कुछ है कि जहाँ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल ये जोने कि जो की जो यूनिट है वो सेम क्वान्टिटी होनी चाहिए मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए ठीक तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो है ये रेडियन में नहीं दिया है ये तो डिग्री में दिया है पर हमारे पास तो फार्मूला रेडियन का है तो हमको सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्टली वी विल चेंज द डिग्री इंटू रेडियंस सो मैंने बताया था जिस भी चीज़ को चेंज करना उसको राइट हैंड साइड में लिख दीजिए तो हमको रेडियन में चेंज करना है इसको इधर लिख दिए वन एट्टी डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन वन डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन वन एट्टी रेडियन देन सिक्सटी डिग्री को हमको चेंज करना है तो सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन वन एट्टी इंटू सिक्सटी नाव सिक्सटी डिग्री इज ईगल टू पाई अपॉन थ्री रेडियन अब हम इसको पुट कर देंगे हमारे यही फॉर्मूले में थीटा हमारे पास निकल गया पाई अपॉन थ्री रेडियन इज इगल टू लेंथ ऑफ हार्थ थर्टी सेवन पॉइंट फोर है अपॉन मे आर देन हमको पाई की वैल्यू पता है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन इंटू थ्री अब ये हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाँ रेडियस निकल आएगा थर्टी फाइव पॉइंट सेवन सेंटीमीटर